आज हम जानेंगे कि चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ। यह कहानी शुरू होती है अरबों साल पहले, जब पृथ्वी और थिया नामक एक ग्रह का टकराव हुआ। यह टकराव इतना शक्तिशाली था कि पृथ्वी की सतह पर बड़े पैमाने में तबाही मच गई। इस टकराव के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के चारों ओर मलबे का घेरा बन गया। यह मलबा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटता रहा और धीरे धीरे एकत्रित होकर एक नए खगोलीय पिंड का रूप लेने लगा। इन मलबों ने एकत्र होकर चंद्रमा का निर्माण किया। यह प्रक्रिया लाखों वर्ष तक चलती रही और अंततः चंद्रमा की उपस्थिति पृथ्वी के साथ स्थिर हो गई। इस तरह पृथ्वी और थिया के टकराव से चंद्रमा का जन्म हुआ, जो आज भी पृथ्वी का एक अभिन्न हिस्सा है।